देश की तरह ही नागपुर में भी पुलिस विभाग सर्वाधिक भ्रष्ट है। वर्ष 2019 में नागपुर एंटी करप्शन ब्यूरो ने 111 लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। इनमें से 22 मामले पुलिस विभाग से संबंधित थे। 19 मामलों के साथ राजस्व विभाग दूसरे नंबर पर था। इस साल अब तक 13 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। आइए देखते हैं भ्रष्टाचार पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लोगों की बढ़ती लालच ने रिश्वतखोरी को बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। रिश्वतखोरों पर एंटी करप्शन विभाग की नजर भी हमेशा बनी रहती है। नागपुर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले साल 2019 में 111 मामले ट्रैप कर रिश्वतखोरों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। इसमें सबसे अधिक भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी पुलिस विभाग में होने का सच सामने आया था। आंकड़े बताते हैं कि एसीबी ने वर्ष 2019 में पुलिस विभाग के 22 अधिकारी और कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वहीं राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के 19 मामले सामने आए थे। इसके बाद एमएससीबी में 8, शिक्षा विभाग में 6, वन विभाग में 5, निजी संस्थानों के 9 और अन्य विभागों में कुल 42 मामले सामने आए थे। एसीबी ने इन मामलों में रिश्वतखोरों को जाल बिछाकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वही साल 2020 में एसीबी अब तक 13 मामलों में रिश्वतखोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर चुकी है। आय से अधिक संपत्ति रखने वालों पर भी एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करने में पीछे नहीं है। इस साल नागपुर एसीबी ने बेनामी संपत्ति के 8 मामले उजागर कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है वो सभी बड़े सरकारी विभागों में बड़े पदों पर कार्यरत लोग हैं। पिछले साल 4 ग्राम सेवक, सहायक वन संरक्षक, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक और सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के अधिकारियों पर शिकंजा कसा था। नागपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की पुलिस अधीक्षक रश्मि नांदेड़कर ने बताया कि विभाग द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बड़े पैमाने पर जनजागृति की जा रही है। एसीबी द्वारा हर साल 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक संपूर्ण देश में जनजागृति सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान पोस्टर्स, मैसेजेस, बैनर, रैली, पथनाट्य के जरिए लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक किया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा एक टोल फ्री नंबर 1064 जारी किया गया है। इस नंबर पर कभी भी शिकायत की जा सकती है। एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भी रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ, बेनामी संपत्ति रखने वालों के साथ ही पद का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 2020 आज पावे तो आमच्या विभागाकडून 19 ट्रॅपची कारवाई झालेली आहे, सापळा कारवाई झालेली आहे। त्यामध्ये मागील जानेवारी महिन्यात 4 सापळा कारवाई करण्यात आलेली असून या फेब्रुवारी महिन्यात 6 सापळा केसेस झालेले आहे। आम्ही सर्वांना या जनजागृती सप्ताह असतो आमच्याकडे अँटी करप्शन विभागातर्फे, त्यामध्ये आणि इतरत्र जेव्हाही पेपरमधून न्यूज येतात किंवा कुठल्याही केसची बातमी येते त्यामधूनही आम्ही सर्वांना आवाहन करतो की कुठल्याही ठिकाणी जर भ्रष्टाचार सुरू असेल किंवा कुठेही तुम्हाला कुठल्याही लोकसेवकाकडून कोणत्याही प्रकारची मागणी झाली तर तुम्ही या ऑफिसला या आणि तक्रारी नोंदवा, जेणेकरून जो वाढता भ्रष्टाचार आहे त्याला एक त्याच्यावर प्रतिबंध झाला पाहिजे आणि जे भ्रष्ट अधिकारी आहे त्यांच्यावर कारवाई होणं गरजेचं आहे। याशिवाय आमच्याकडे 1064 ही टोल फ्री लाईन नंबर आम्ही दिलेला आहे। या नंबरवर आपण कधीही जर कॉल केला तर आम्ही ते सर्व स्वीकारतो आणि त्याची तात्काळ दखल घेतो। याशिवाय आम्ही ईमेलसुद्धा आहे एसपी ऑफिसचा आणि एसीबीचा। या ईमेलवर रोज जे जे मेल केले जातात त्याची आम्ही पर्सनली दखल घेऊन त्यावर कारवाई करतो। तर माझी सर्व नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात आमच्यापर्यंत पोहोचावं आणि कुठलीही भय न बाळगता इकडे येऊन आपल्याला जर कुठलाही त्रास असेल तर आमच्याशी संपर्क साधावा। पोलीस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर का कहना है की दिन बदिन भ्रष्टाचार बढते ही जा रहा है, उसी दृष्टि से कारवाई भी हो रही है। साथ ही लोग जागरूक होकर शिकायतें भी कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने में मददगार साबित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर पर या ईमेल आईडी हो या ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जो भी शिकायत आती है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि बगैर किसी डरे भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करें।
प्रमाण वाढलेलं आहे आणि त्यामुळे आपण 2019 साधारण पूर्ण वर्षभरात 111 केसेस नोंदवलेले आहेत. ट्रॅप केसेस जे आहेत ते 111 केसेस नोंदवलेले आहेत. आणि आमची आजही हीच सर्व नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी निर्भयपणे समोर यावं, विशेष म्हणजे त्यांनी विभागावर विश्वास ठेवावा आणि आपली केस जी आहे ती तिथे गेल्यावर आपल्याला न्याय मिळेल यावर विश्वास ठेवावा. देश में सबसे बड़ी समस्या होंगी तो वो है भ्रष्टाचार, जो अंदर ही अंदर हमारे देश को और हमें खोखला करते जा रही है. भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार भारत मुक्त अभियान की शुरुआत की और हमने भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए. कैमरा पर्सन वीरेंद्र खुबरागड़े के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट, NBC News नागपुर.